भाई मेला चल रहा है भरते और धूल उड़ के धरते। बताओ जब मैं घर तो चल रहा ना तो मम्मी पापा यूँ कह रहे हैं अभी तुझे क्या मिलेगा वहाँ जाके, अभी वो वाला मजा ना आने का, चाहिए तो एक दिन पीछे जाइए। बताओ कैसा महसूस हो रहा है यहाँ के खाने में? भाई बिल्कुल बढ़िया महसूस हो रहा है। गोभी की सब्जी बनाई है भाई, गोभी की भाई कर रहे हैं, बस थोड़ा यू समस्या हुई, थोड़े लेट आए हम भी। आप लेट आए हो? आज 7 तारीख हो रखी है भैया, कह रहे लेट आए हम। 6 माह आप 6 माह आ गए यार, 6 में भी लेट बता रहे, क्या तारीख में क्या दिवाली यही मनाते आके। दोस्तों मैं हूं कुणाल अलावा, स्वागत करता हूं आपका एक और नए ब्लॉग में। और भाई ब्लॉग में आपको दिख रही होगी पीछे की गंगा जी का मेला, यानी गढ़गंगा के मेले पर आ चुका हूं और पहला ब्लॉग दिखाने के लिए बनाने के लिए भाई आ चुका हूं। देखो सामने मेला है और चलते हैं मेले की तरफ, दिखाते हैं आपको यहाँ के ढंग। और भाई बता देता हूँ मेले की थोड़ी सी खासियत, कार्तिक का मेला है और यहाँ पर ये जो मेला लग रहा है महाभारत के टाइम का मेला है, 5625वां मेला है भाई ये, 5624 मेले लग चुके हैं, 5625वां मेला ये लगने जा रहा है और इसका मजा लेने के लिए हम लोग आ चुके हैं। और भाई देखो कैसे कैसे लोग हमें देख रहे हैं इस तरीके से कि जैसा पता ना हम तो कुछ खेल ही करने आ गए हो, ठीक है। तो चलो मेले के मजे लेते हैं। और वहां देखो सामने झूले वूले सब लग चुके हैं, पिछली बार के लोगों को बहुत शिकायत थी कि भैया मेले में झूले नहीं लगे, तो भाई मैंने तो ना लगवाई पर लग जरूर गए, ठीक है। तो चलो देरी ना करते हुए मेले की स्टार्टिंग करते हैं। आओ गाइस देखो भीषण जाम। तो भाई आ चुके हैं गढ़ में और देखो ये है गढ़ का घंटाघर, ठीक है। और ये अंदर तहसील की तरफ रास्ता जाता है गाइस, ये जो रास्ता है। और ये देखो कितनी भीड़ है भाई, और वहाँ देखो गढ़ का सबसे फेमस बर्गर वो रहा भाई, ठीक है। और इधर की साइड हम जाते हैं, ये एक रास्ता चलाया था मेरठ के लिए और एक रास्ता चलाया था, और ये चलाया था दिल्ली के लिए, ये चलाया था मेरठ के लिए। और यहाँ से हम लोग टर्न लेते हैं कहाँ के लिए, गढ़गंगा के लिए भाई। और गढ़गंगा के नाम पर हम क्या कहते हैं, बोले गंगे माई की जय। दोस्तों आप गंगा जी ज़्यादा दूर नहीं क्योंकि लक्का कुआ तो आ चुका है भाई, ठीक है, लक्का कुआ आ चुका है और गंगा जी अब ज़्यादा दूर नहीं। ये रहा सामने लक्का कुआ, अगर आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा हो क्रेन को, देखो भाई इधर देखो, ये है बहुत प्राचीन मंदिर, सबसे पहले करीब करीब अब से 1500 वर्ष पुराना मंदिर है गाइस ये, और इसकी हालत देखो कैसी हो रखी है। और मैं आपको दिखाऊं, देखो नक्के कुएं के भी पूरे ढंग बदल चुके हैं भाई, पहले हाल क्या था, जो लोग पहले आए होंगे उन्हें पता होगा, रास्ते वस्ते सब बदल गए, ये रहा नक्का कुआ गाइस, ठीक है। और ये बराबर में गुरुद्वारा आ ही जाता है इसको, ठीक है। और अब हम चल रहे हैं किधर, गंगा जी की तरफ, जो कि यहाँ से समथिंग 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर गंगा जी आ जाती है। और उससे पहले दिखेगा तुम्हें क्या, मेला भाई, मेला दिखाई देगा उससे पहले, ठीक है। ये देखो मैदान है ये सामने, एक नक्के कुएं के सामने मैदान है, ठीक है। और इधर देखो, और जहाँ हम लोग चल रहे हैं ना यहाँ तो भाई एक टाइम पर आपसे 2-3 बार पुलिस की हो जाएगी, ठीक है। और ये देखो भाई ये गद्दे वद्दे जा रहे हैं, ये या तो प्रशासन के जा रहे होंगे या किसी टेंट वाले के ढूंढ रहे होंगे, ठीक। और सुन मेला ही कहते हैं गंगे माई की जय। भाई इस गेट को देख के तो गंगा जी वालों के ऐसे प्राण फल जाए, और खासकर हरियाणा और राजस्थान वालों के तो ऐसा मन खुल जाएंगे भाई, आ गई गंगा जी, बोल मेले की जय, बोल गंगा भैया की जय। देख रहे हो भाई, सुनो यहाँ महाराष्ट्र थर रही कहते हैं, जाटों का मेला है, हर मेला जाटों का कहते हैं। जय गंगा भाई भाई की जय। तो दोस्तों देखो मैं आपको नजारा दिखाता हूँ भाई मेले का, जितने भी मेरे दोस्त भाई इंतजार कर रहे थे कि कब पहुंचेगा, तो देखो भाई मैं पहुंच चुका हूं। ये देखो भाई ये कुछ नज़ारा, ठीक है गाइस, ये रहा। और भी आपको दिखाते हैं गाइस कैसा ढंग है क्या है, ठीक है भाई। तो पहले से तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट इस बार और भी ज़्यादा हमें लग रहा है, क्योंकि हम पिछली बार भी आए थे तो बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है अभी देखने में। और बताओ जब मैं घर से चल रहा ना तो मम्मी पापा यूँ कह रहे हैं अभी तुझे क्या मिलेगा वहाँ जाके, अभी वो वाला मज़ा ना आने का, चाहिए तो एक दिन पीछे जाइए जो भर के चले मेला। तब बिना कौन बतावे क्या मेला तो है, भर के चल दिया यूरा, वह मार्केट लगने की देर है, बाकी जो अपने वाले बहतीन वाले हैं ना बिन सब में तो आ भी गए भाई। अरे देखो भाई लड़ियो मत ना देखो यार, ठीक है। हर सभी जाट भाई आ चुके हैं और भी मोस्ट वेलकम है अपने सारे भाइयों ने, ठीक है, तमाम जाट भाइयों ने, राजपूत भाइयों ने, ठाकुर भाइयों ने और अपने गुजर भाइयों ने, सब ने अपना फुल सपोर्ट। आओ यार मस्त रहो एकदम, साल में 2-4-5 दिन होने भी चाहिए ऐसे जो मौज मस्ती कर सके आदमी,
ठीक है। तो चलो भाई ये देखो, इस बार तो भाई देखो नक्का भी लग चुका है और झूला भी लग गए। अब पिछली बार ना कुछ भी ना था यहाँ पे, ठीक है। पिछली बार मैं केवल मार्केट मार्केट ही कर लोगे, तो इस बार हम पिछली बार मार्केट में थोड़ा मज़ा भी ना आया। बाकी इस बार तो देखो खन्ना सुपर सॉफ्टी फ्रूट आइसक्रीम, ये तो भाई फेमस चीज़ हो मैं यहाँ की खैर। और बाकी जो लोंडा कह रहा पीछे चित्ता ही कहता है, और हम भी कह रहे हैं गंगा मैया की जय। तो चलो अब आगे की तरफ चलते हैं और भी देखते हैं क्या क्या हो रहा है। और नितिन भाई कैसा महसूस कर रहे हो? नितिन भाई कह रहे हैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। बाकी यार टीचर आदमी हमारे मास्टर जी हैं, लेकिन इन्जॉय मतलब नहीं है, यही तो चीज़ चाहिए। तो भाई देखो कुछ इस प्रकार का मज़ा। जो भाई चले नहीं है अभी चल, जो भाई अभी चले नहीं है चल दो, और ज़्यादा लेट तो करियो मतलब। भाई अनु कह रहे हैं भीड़ ना भीड़ ना, कितनी बेहतरीन भीड़ हो रही है देखिए। तो भाई आ चुके हैं गढ़गंगा के मेले पे आ चुके हैं भाई, और ये देखो गंगा जी फुल भर के चल रही है, ठीक है दोस्तों। ये देखो देखो भाई बेहतरीन चल रही है भर के मामले एकदम। तो दोस्तों हाँ थोड़ा सा हमने विजिट कर लिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, आगे की विजिट देखते हैं भाई। तो भाई फिर से आ चुके हैं मार्केट में, और वो मेला बेहतरीन भर के चल रहा है गाइस, ठीक है। अरे देखो गाड़ी की गोली मतलब गाड़ी गाड़ी आने पर लग रही है, घूम रही है दबके, प्रशासन में जोर है। आलू पकौड़ी के लिए सामान आ चुका है भाई, ये बहुत ज़्यादा भावनाओं से जुड़ा हुआ है, क्या बतावें बस, ठीक है। हम तो गुरु जी मुझे लग रहा है हम गलत दुनिया में गलत आए दिखे हैं, पहनचो मारो बस रास्ते भटक जा हर बार, क्योंकि कोई सही निकलने की कोशिश कर रहे हैं निकल ही ना पा रहे। अरे कोई ना छोड़ दे, कोई दिक्कत ना है, थोड़ा बहुत घूमना फिरना इन चीज़ों से हो जाओ, और छोटा सा रास्ता शॉर्टकट मारते हुए। नितिन सर, नितिन सर सही बता रहे हैं, दो दिन बाद फिर जगह मिलने की बिना अभी तुम्हें न मानो गिर जाएगी तमाम। दे पुलिस वाले भाई घूमते हुए सारे अपने, ठीक है। ये अमर उजाला का जो लग गया है, क्या बोला है उसे, कार्यालय, उसके लिए जगह घिर चुकी है पहली पैनल लगा के भाई। आज तक के अमर उजाला के जितने भी हैं, क्या मुझे लगा सॉफ्टी या इन चीज़ों के, सॉफ्टी का तो यूरिया इंगे भी है, ठीक है भाई यूरिया बेहतरीन करके एकदम लोगों ने बेहतरीन काम बनाया। रिजर्व पुलिस लाइन देखो भाई सामने अगर दिख रहा हो आपको, रिजर्व पुलिस लाइन तो वही रिजर्व पुलिस लाइन है, ठीक है। और ये है इधर, और बाकी डेरे इस बार कम दिखाई दे रहे हैं, डेरे पता ना साइड अलग ही लग रहे दिखे भाई डेरे इस बार। तो भाइयों देखो हमें हमारे कुछ भाई मिले हैं मुरादाबाद से, ये है विजय मुरादाबाद, और आपका क्या नाम बड़े भाई? छोटू। ये छोटू भाई है मुरादाबाद से, और भाई का यूट्यूब चैनल भी है। भाई आकर के खुद पूछ रहे हैं कि भाई आप कहाँ से हो, कैसे हो, और आपका चैनल है क्या है, और भैया ने अपने बारे में जानकारी दी। तो भैया कैसा महसूस कर रहे हो गंगा जी पाक है? देखो जी महसूस तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, बस थोड़ा यू समस्या हुई, थोड़े लेट आए। अब भी आप लेट आए हो? आज 7 तारीख हो रखी है भैया, कह रहे हैं लेट आए हम। 6 माह आप 6 माह आ गए यार, 6 में भी लेट बता रहे, क्या तारीख में क्या दिवाली यही मनाते आगे? 4 तारीख का प्लान है। अच्छा 4 तारीख का प्लान था भाई का, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होगी जिसकी वजह से 2 दिन लेट हो गए। 2 दिन लेट। अच्छा फिर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो 2 दिन लेट होने के बाद आके? नहीं जी नहीं, कोई प्रॉब्लम तो ना आ रही? जैसे भी है, अब तो जैसे भी है मजे लेने। अच्छा अच्छा मुरादाबाद से है, प्रॉपर मुरादाबाद से किसी गांव से हो? गांव मुरादाबाद, सिकंदराबाद के पास काम। अच्छा सिकंदराबाद के पास मुरादाबाद है यार, मैं भी इतनी देर से ये समझ रहा हूँ, मगर तुम इस मुरादाबाद के देखो, मगर मुरादाबाद के तो गंगा जी की कूद के तिगरी में रुक जाते। बाकी ये हमारे डेरे हैं अपने, ठीक है। ये चाचा ताऊ के लगे हैं सब, अगर कोई समस्या हो तो मिल लियो आपस में आके। ये सामने तुम्हारा ही यू लगा हुआ डेरा काला बछड़ा? अच्छा अच्छा अच्छा, यू काला बछड़ा जो बन रहा है और यू है, बहुत बढ़िया। अच्छा और भी आ रहे हैं संग साथ के हैं, भैया बता रहे हैं कि अपने 2 भाई और भी हैं, तो उनसे भी एक बार मिल लेते हैं यार। एक सो रहा है। अच्छा एक सो रहा है भाई, थका हुआ है भाई, वो सो रहा है अभी, और बाकी भाई के साथ चल दिए हैं देखने। यार एक बात हूँ, गंगा जी के मेले के मजे कुछ और ही हूँ मैं, है ना। पूरी साल मेहनत करे आदमी, कहीं हो कुछ भी करे, पढ़ाई लिखाई करे, सारे काम करे, लेकिन मेला भी करे, लेकिन मेला जरूर करे। कहीं नहीं जाना, रिश्तेदारी में जाओ मत जाओ, ब्याह शादी में जाओ मत जाओ, पर गंगा जी के मेले पर जरूर जाओ। क्या बात है। अच्छा ये है UP 13 आशू चौधरी भाई, दिखाई दे रही हो? ठीक है मैं लो दिखा देता हूँ, ये लिख रहा भाई UP 13 आशु चौधरी विजय मुरादाबाद वाला, ठीक है। अच्छा अच्छा ये इनके भाई का नाम है आशु चौधरी, ठीक है। यूट्यूब चैनल विजय मुरादाबाद, भाई भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर लियो यार, ठीक है। हालांकि मैं कहता ना हूँ किसी की, और देखो भाई कभी भाई हमारे लेना, देखो भाई कभी भाई गंगा जी के मजे देखो,
ये भाई 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 रोटी का काम कर रहा है भाई, केली करके भाई। एक बात बताइयो, घर के खाने से ज्यादा मजा ना जाता होगा यहाँ के खाने में? आवे है ना भाई, मेहनत होटल से ज्यादा मजा आवे है घर के खाने में? मजा आवे भाई, सब्जी भी गोभी की तैयार है भाई। भैया को माइक लेकर पहुंचो, भैया के द्वारा भैया से बात करते हैं। भैया बताओ कुछ और जी। भैया अब बताओ कैसा महसूस हो रहा है यहाँ के खाने में? भाई बिल्कुल बढ़िया महसूस हो रहा है। गोभी की सब्जी बनाई है भाई, गोभी की भाई, गोभी की सब्जी बनाई है भाई ने। और रोटी तैयार है, खा के जाइए, कोई दिक्कत परेशानी की कोई बात नहीं। उन्होंने देखो पूरी व्यवस्था है भाई, ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और आज तारीख हो रही है 7 तारीख से, और कै तारीख का नहाना भाई? 15 का, 15 तारीख का अपना नहाना। पूरा हफ्ता पड़ा, हफ्ते भर मौज बस। हाँ भाई, सारे एक ही गांव के हो तो? हाँ भाई, सारे एक ही गांव, सारे वही है, सगे सगे भाई हो? हाँ भाई, हाँ बस ऐसे ही। हाँ भाई, इस कम्युनिटी की आपस में एकता की तो मजबूत है भाई, बात ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बनाओ खाओ, खूब आनंद करो, ठीक है भैया? ना ना, अभी तो फिलहाल घूम ही रहे, बाकी बिल्कुल आते हैं, कोई ऐसी दिक्कत। तो भैया निकल चुके हैं मेले से, अब चलते हैं घर की तरफ। ये आ रही सामने फायर ब्रिगेड, ठीक है, यूपी फायर सर्विस, ठीक है गाइस। और दुकान लगा रखी है तो भाई चलते हैं। ये था ए, ये अच्छा हम कौन है भाई जी को? भाई मेला चल रहा है, भरते और धूल उड़ेगी धरते। ये देखो हम बाहर आ चुके हैं मस्तराम की कुटी पर, और ये खच्चरों का मेला लगता है सामने, जो कि पिछले बार ब्लॉग में भी दिखाया था, बताया था। और ये मार्केट है यहाँ बनी हुई, ठीक है। तो भैया गाइस देखो मेला खूब भर का चल ही रहा है, और सामने देखो उनका भंडारा चल रहा है। हम दोनों रुके और भंडारे का जो प्रसाद है वो भी हमने ग्रहण किया। अब उसके बाद इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और भाई अब ऐसे ही आपको ब्लॉग गंगा जी वाले मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।